आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। पैदा करने वाली माँ से तो आपको भी बिछड़ना पड़ा था कान्हा जी, लेकिन जैसे आपको यशोदा माँ मिल गई, वैसे ही मेरे आदि पर भी कृपा कर दो। कृष्ण क्या है? मान लीजिए पापा। उसकी माँ वापस नहीं आ सकती, जन्म देने वाली माँ नहीं आ सकती, पालने वाली तो आ सकती है। तुम्हें जन्म मैंने दिया था, लेकिन प्यार और ममता तुम्हें छुटकी से मिली है। मैं तो तुम्हारी अच्छी माँ कभी नहीं बन पाई, लेकिन जरा सोचो, अगर छुटकी ने भी तुम्हें नहीं अपनाया होता तो तुम्हारा क्या होता? शायद वही जो करण का हुआ। तुम ये चाहते हो आदि के साथ भी कुछ ऐसा ही हो? आदि भी करण की तरह माँ के प्यार के लिए तरसता रहे? मम्मा, मम्मा। क्या तुम ये नहीं चाहते आदि की जिंदगी में भी छुटकी जैसी एक माँ है? तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आदि के लिए उर्वशी से शादी करूं, लेकिन जब आदि ही खुश नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट? आदित्य अभी बच्चा है बेटा, और बच्चों को इन चीजों की समझ होती कहाँ है? तुमने और काजल ने भी तो हम दोनों को माँ बाप के रूप में स्वीकारने में वक्त लगाया था। तुम्हें बीवी की जरूरत हो ना हो, लेकिन आदि को एक माँ की जरूरत है, और उसकी जिंदगी में माँ की कमी तभी पूरी हो पाएगी जब तुम शादी करोगे। ठीक है, मैं उर्वशी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तभी जब आदि शादी से खुश होगा और खुद मुझे उर्वशी से शादी करने को कहेगा। अभी तुम सो जाओ, ठीक है? और तुम भी और मैं खेलूंगी। तुम लोग तो कभी सोते नहीं हो। अरे बस ना, ना। अरे सोना नहीं है क्या? ना 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 बहुत लेट हो गया, आ जाओ। चलो चलो, वरना मैं आपकी टॉयज ना में रख दूंगी। चलो अरे चलो, आ जाओ जल्दी। अरे अरे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी सो जाओ। गुड गर्ल। मम्मा, हां नानू पापा
और सावी मासी अभी तक आए नहीं। आपको तो पता है कि जब नानू पापा मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाते तभी तो मुझे नींद आती है। बांदा, मैं आपको बेड टाइम स्टोरीज कौन सुनाता था? गुरु माँ। अच्छा ठीक है, लेकिन नानू पापा और सावी मासी किसी काम से गए हैं ना, मैं आते वक्त बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए आप सो जाओ। चलो चलो। मम्मा बट अभी मुझे नींद नहीं आ रही। अरे इसे बेड पे जंप करती रहोगी तो नींद कैसे आएगी? चलो लेटो जल्दी। अरे 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 आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आओ। ना ना परी आलू की खरगोश परी। माँ मैंने नहीं किया, अपने आप हो गया। ठीक है माँ, आप मुझे कंट्रोल करने को क्यों कहते हो? क्या पावर्स होना बुरी बात है? नहीं बेटा, पावर्स होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन दूसरों के सामने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना बुरी बात होती है। क्यों मामा? क्योंकि सबके पास पावर्स नहीं होती ना, जिनके पास नहीं होती वो लोग आपको अलग समझने लगते हैं। मम्मा अगर मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूं और फिर भी वो कंट्रोल ना हो तो आपको और कोशिश करनी चाहिए। और मम्मा मुझे पता ही ना हो कि कोई मुझे देख रहा है तो फिर मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़े तो? क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा? माँ किसी की हेल्प करने के लिए, अगर जैसे कोई गिर रहा हो तो फिर उसे बचाने के लिए मुझे जंप करना पड़ेगा ना। आपको जंप क्यों करना पड़ेगा बेटा? आप उसे वैसे भी तो बचा सकते हो जैसे कोई नॉर्मल इंसान बचाता है। लेकिन मम्मा उस तक पहुँचने का टाइम ना हो, कोई इमरजेंसी हो तो फिर? ओहो परी, आपको सोना नहीं है? सवाल पे सवाल। क्या सवाल? अगर कोई हमसे हेल्प मांगे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए? हाँ बाबा करनी चाहिए। अब सो जाओ चुपचाप। चलो आंखें बंद करो जल्दी से। मम्मा अगर मैं किसी की हेल्प करूँ तो आप एंग्री तो नहीं होगे? परी आज आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? करूंगी, पहले ये बताओ कि करना क्या है। पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। ओके प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे ही। अब नो मोर क्वेश्चंस, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। यंश अपने आप को समझता क्या है? उसे तो खुश होना चाहिए ना कि मेरी जैसी लड़की उससे शादी कर रही है। वो खुश होता अगर आदि खुश होता। उस चूजे के खुश होने ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं एक काम करती हूँ, अंश के साथ साथ पूरी फैमिली को हिप्नोटाइज कर देती हूँ और फिर अंश से शादी कर लेती हूँ। फिर देखती हूँ कि अंश का बच्चा करता क्या है। अकल से काम लो उर्वशी, तुम सबको सम्मोहित करके अंश से शादी तो कर लोगे, लेकिन जब तुम्हारे सम्मोहन का असर खत्म होगा तब वो लोग पूछेंगे ना तुम्हारी शादी कैसे हुई, कब हुई। हो सकता है अंश इस शादी को मानने से भी इनकार कर दे, तब क्या करोगी? तुम्हारी परेशानी अगर आदि है तो परेशानी का हल भी आदि ही है। तुम बस कैसे भी आदि से ये कहलवा दो कि वो तुम्हारी और अंश की शादी से खुश है। पैदा करने वाली माँ से तो आपको भी बिछड़ना पड़ा था कान्हा जी, लेकिन जैसे आपको यशोदा माँ मिल गई वैसे ही मेरे आदि पर भी कृपा कर दो। कृष्णा आ
आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ये क्या है? मान लीजिए पापा। शरारती हो गया ये आदि, ऐसे नहीं मानेगा। चलिए भाभी, ये लड़का भी ना। मम्मा, मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन मैं उसकी हेल्प करूंगी कैसे? उसके लिए तो मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। आदि, ये लड़का भी ना। आदि कहाँ चला गया? आदि कहाँ है? आदि वहाँ गया। आदि, आदि to enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.